एक नए वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी, आपका स्वागत करता हूं मेरे वी मास्टर में। इसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें, तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर की तरफ से निकलकर सामने आ रही, जिसको डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। और ये डेवलप होने के बाद कुछ लोग कहते हैं कि ये घटक ड्रोन बनेगा, घातक ड्रोन बनेगा, या कुछ स्विफ्ट का नाम भी लेते हैं। अलग अलग नाम इसको दिए गए हैं, जैसे जैसे समय बीतता गया अलग अलग नाम बनते चले गए और अभी रिसेंट का नाम स्विफ्ट है। पर इसके जो टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर है उसको ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर कहा जा रहा है। टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर किसी भी एक बड़ी टेक्नोलॉजी का छोटा रूप होता है। अगर मान लीजिए कोई बड़ी चीज हमें डेवलप करनी है तो उसको पहले छोटे आकार में बनाया जाता है, उसको उड़ाकर, उस पर काम करके, उसमें छोटी छोटी चीजें लगाकर, हटाकर कई बार देखा जाता है, जिससे कि कम खर्चे में एक बड़ी चीज बन जाए। और जब ये टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाती है तब जाके बड़े आकार में मेन व्हीकल को बनाया जाता है। उसी प्रकार से ये जो ड्रोन हम बनाने जा रहे हैं, जो कि स्टिल्थ ड्रोन होने वाला है, आगे चल के भारतीय एयरफोर्स या सेना में इस्तेमाल किया जा सकेगा। उसका एक छोटा रूप बनाया गया है, इसमें टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा है। आगे चल के इसके एवियोनिक्स, इसके पेलोड, इसका जो सेंसर्स है, इसके जो कैमरा है या इसमें इस्तेमाल होने वाले हथियार, वो सारे चीज इसमें लगाकर चेक करके देखा जाएगा कौन कौन से इसमें लगाने हैं, कौन नहीं लगाने हैं, किसको ले जा सकता है, किसको नहीं ले जा सकता, ये सारी चीज में देखी जाएगी। ये कहा जा रहा है कि इस व्हीकल का एयरफ्रेम, अंडर कैरेज, पूरा फ्लाइट कंट्रोल और एवियोनिक्स सारे सिस्टम इंडिजिनस है और मैक्सिमम चीज इसमें इंडिजिनस ही रहने वाली है। पर जैसा कि मैंने कहा, ये एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर है, इसको पूरे व्हीकल या पूरे अनमैन्ड एरियल एयरक्राफ्ट में चेंज होते होते कुछ 4 से 5 साल गुजर जाएंगे। अब बात कर लेते हैं डीआरडीओ के एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम की। फ्यूल सेल वाले एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन डीआरडीओ को बनाने में कामयाबी हासिल हो चुकी है। डीआरडीओ के चीफ ने कल एक इंटरव्यू में कहा फाइनेंशियल टाइम्स के साथ। उन्होंने बताया कि ये जो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम है उसको टेस्ट करके देख लिया गया है और 2025 में जब INS कलवरी आएगा या कलवरी क्लास के सबमरीन रिफिट के लिए आएंगे तब जाके उनमें इसको लगा के देखा जाएगा या लगा दिया ही जाएगा। अभी भारत के पास जो कलवरी क्लास के सबमरीन इस्तेमाल हो रहे हैं उनके लिए एक्सक्लूसिवली इसको डिजाइन किया जा रहा है। 2025 तक ये कंप्लीट हो जाएगा या उससे पहले ही कंप्लीट हो जाएगा। टेक्नोलॉजी तो ऑलरेडी बनाई जा चुकी है, तब इनको उसमें लगाकर देखा जाएगा। पर इंडियन नेवी, मुझे लगता है कि स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन में इसको लगाने से पहले या कलवरी क्लास सबमरीन में इसको लगाने से पहले कहीं ना कहीं किसी दूसरे डीकमीशन सबमरीन या किसी न किसी सबमरीन में जरूर लगा के देखेगी, जैसे कि सिंधु घोष सबमरीन। शायद आपको पता होगा कि फाइनेंशियल टाइम के साथ इसी इंटरव्यू में डीआरडीओ के चीफ ने यह भी बताया कि जो हल्के टैंक बनाने हैं 25 टन से कम वजन वाले, वो भी 2023 तक रोल आउट हो जाएंगे। रोल आउट किसके लिए? आगे ट्रायल के लिए, आर्मी के द्वारा इसका ट्रायल किया जाएगा। पिछले साल एक RFI निकली थी जिसमें कि 350 इस प्रकार के टैंक की आवश्यकता है, ऐसा इंडियन आर्मी के द्वारा निकाला गया था। अब L&T और DRDO सम्मिलित तौर पर इस पर काम कर रहे हैं। आपको पता है K9 वज्राटी के चेसी पे ही ये पूरा हल्का टैंक बनने वाला है, ऐसा न्यूज में निकलकर सामने आया था। अभी जब ये पूरा डिजाइन बन जाएगा तब ये क्लियर होगा कि उसी की चेसी पे है या नहीं। पर 2023 में ये रोल आउट हो जाएगा और इसका प्रोडक्शन में जाते जाते मुझे लगता है 1-2 साल और ज्यादा लगेंगे और कुछ 3 से 4 सालों में हमें अपना इंडिजिनस हल्का टैंक प्राप्त हो जाएगा, जिसको कि हम चीन के खिलाफ हिमालयन रेंज में डिप्लॉय कर पाएंगे। और ये हल्का टैंक आप जानते हैं कि चीन के कॉम्पिटिशन में ही बनाया जा रहा है। चीन ने क्योंकि हल्का टैंक टाइप 15 टैंक हिमालयन रेंज में डिप्लॉय किया है तो भारत को भी वहां पर डिप्लॉय करना है, इसीलिए इस चीज को युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। ये जो प्रोजेक्ट है वो भारत सरकार के द्वारा फंडेड प्रोजेक्ट है, इसमें पूरा पैसा भारत सरकार के द्वारा ही लगाया जा रहा है। बात कर लेते हैं भारत और यूके के रिश्तों की। आपको पता है कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर 4 तारीख को यूके के साथ लॉजिस्टिक सपोर्ट के पैक्ट पर साइन करने वाले हैं। इस प्रकार का पैक्ट हमने ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, जापान, US इत्यादि देशों से साइन किया हुआ है, जिसमें कि वो हमारे शिप्स को और हम उनके शिप्स को रिप्लेसमेंट का, रिफ्यूलिंग का और थोड़ी ओवरहॉलिंग का या रिपेयरिंग का मदद करेंगे। उसी प्रकार का यूके के साथ भी लॉजिस्टिक पैक्ट साइन होने वाला है। इस पैक्ट के बाद कहा जा रहा है कि ये बातचीत भी होगी कि रोल्स रॉयस के द्वारा जो मरीन इंजन बनाए जाते हैं, गैस टरबाइन बनाई जाती हैं, वो भारत को प्रोजेक्ट की जाए। यहां पर रोल्स रॉयस ये प्रयास कर रहा है कि यूक्रेन के साथ जो हमारा करार है, जो वो हमारी वॉरशिप्स को प्रोपल्शन सिस्टम देता है, उसको रिप्लेस करने का प्रयास है रोल्स रॉयस के द्वारा। इससे पहले भी मैंने आपको खबरों में बताया था कि यूरोपियन देश इसमें जुट गए हैं कि भारत को किस प्रकार से वॉरशिप के लिए प्रोपल्शन सिस्टम दिया जाए यूक्रेन के अभाव में, तो उसी चीज का प्रयास यहां पर दिख रहा है। बात कर लेते हैं गगनयान की। इसरो के चीफ का ये कहना है कि इस साल में तो गगनयान
हमारे इंसानों को लेकर नहीं जा सकता है, अगले साल भी हो सकता है कि न जाए, यानी कि गगनयान मिशन 1.5 सालों के लिए और आगे बढ़ गया है, 2024 में भी अभी ट्राई किया जाएगा। एक्चुअल बात यह है कि इसरो अभी संतुष्ट नहीं हुई है कि जो हमारे सिस्टम हैं वो ह्यूमन के लिए सेफ हैं। यहाँ सबसे बड़ी बात क्रू के सेफ्टी की बात की जा रही है, रॉकेट को इस कैपेबल बनाना होगा कि किसी दुर्घटना के समय क्रू मॉड्यूल रॉकेट से अलग हो जाए और क्रू को कोई भी दिक्कत ना आए, वो बिल्कुल सेफ रहे। यहाँ पे रॉकेट को AI पावर्ड भी किया जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी दी जाएगी, और बार बार इसरो इस चीज का ट्रायल करने के बाद, इंश्योर होने के बाद ही कोई लॉन्च करना चाह रही है। चंद्रयान 3 में भी उन्होंने ये कहा कि हम और ज्यादा लैंडर को मजबूत बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि लैंडर और ज्यादा भारी होता चला जा रहा है। कोई बात नहीं, भारी हो जाए कोई बात नहीं, पर इस बार की जो लैंडिंग है उसको अच्छे से हमें करना है और अचीव करना है वहां पर सॉफ्ट लैंडिंग। इसलिए इसरो का मेन टारगेट ये हो गया है कि स्लो चलो पर रेस को जीतना जरूरी है। अब बात कर लेते हैं G20 की मीटिंग जो कि जम्मू कश्मीर में उसके कुछ भाग को परफॉर्म किया जाएगा, उससे रिलेटेड खबर की। पाकिस्तान तो कह रहा था कि वहां मीटिंग नहीं होनी चाहिए, अब चीन भी इसमें उतर गया है। उसका यह कहना है कि कश्मीर पर उनका जो स्टैंड है वो बिल्कुल क्लियर है और हमेशा से यही रहता आया है कि जम्मू कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच का इशू है और जो कि पुराना इशू है और ये दोनों देश मिलकर इसको सॉल्व कर सकते हैं, इनको करना चाहिए। इसके आगे उनके फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक पर्सन के द्वारा ये कहा गया कि क्योंकि ये दोनों के बीच का इशू है इसलिए यूनिलैटरली कोई भी डिसीजन नहीं करना चाहिए, यानी कि वो भारत को हिदायत देना चाह रहे हैं कि भारत जो G20 का सम्मिट जम्मू कश्मीर में करना चाह रहा है उसके लिए पाकिस्तान से पूछ लो, अगर पाकिस्तान खुश नहीं है तो मत करो, ये वो कहना चाह रहे हैं। मैं तो यहां पर कहूंगा कि भारत को एक G20 की मीटिंग अरुणाचल प्रदेश में भी जरूर करनी चाहिए, तब आएगा मजा और तब चीन की शक्ल देखने लायक होगी। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही, आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा, आप इसको बड़ा अच्छे से जोड़ देंगे। इस वीडियो से मतलब कोई सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।